CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 10 के लिए उर्दू की ध्वनि पाठ्य पुस्तक नवाए उर्दू भाग 2 सबक शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक तारुफ़े शायर शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक पैदाइश 1789 विसाल 1854 शेख मोहम्मद इब्राहिम नाम और ज़ौक तखल्लुस था। ज़ौक ने इब्तदाई तालीम हाफिज़ ग़ुलाम रसूल से हासिल की। इसी ज़माने में शायरी का शौक़ पैदा हुआ और अपने वक्त के मुस्तनद उस्ताद शाह नसीर के शागिर्दों में शामिल हो गए। रफ्ता रफ्ता मशक़ सुखन और अपनी ज़हानत के बायस वो बहुत कम उम्री में उस्तादी के मर्तबे को पहुँच गए। बहादुर शाह ज़फ़र की उस्तादी का फ़ख्र भी हासिल हुआ और खाकानी हिंद और मलिकुश शोरा के खिताबात से सरफराज किए गए। बादशाह की सरपरस्ती में ज़ौक की ज़िंदगी आराम व आसाइश से बसर हुई। ज़ौक को मौसिकी और इल्मे नुजूम से काफ़ी दिलचस्पी थी। अरबी व फ़ारसी और दीगर मशरक़ी उलूम के आलिम थे, लेकिन उनका असल कमाल उनकी शायरी से ज़ाहिर हुआ। शायरी उनकी मुआश का ज़रिया बनी और यही फ़न उनकी क़द्र व क़ीमत का वसीला भी साबित हुआ। ज़ौक ने मुख्तलिफ इसनाफ़ सुखन में तबा आज़माई की। कसीदा उनका असल मैदान है। इस सिन्फ में सिर्फ सौदा उनसे आगे हैं। उन्होंने अपने कसीदों में शौकत अल्फाज, बुलंद ख्याली और मानी आफरीनी के साथ मुख्तलिफ उलूम की इस्तेलाहात से भी काम लिया है। गज़ल गोई में भी ज़ौक का एक ख़ास मकाम है। ज़बान पर कुदरत, बयान की सलासत, रोज़मर्रा और मुहावरे पर अपनी गिरफ्त के लिहाज से वो मुमताज़ हैं। तारुफ़े शायर शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक पैदाइश 1789 विसाल 1854 शेख मोहम्मद इब्राहिम नाम और ज़ौक तखल्लुस था। ज़ौक ने इब्तदाई तालीम हाफिज़ ग़ुलाम रसूल से हासिल की। इसी ज़माने में शायरी का शौक़ पैदा हुआ और अपने वक्त के मुस्तनद उस्ताद शाह नसीर के शागिर्दों में शामिल हो गए। रफ्ता रफ्ता मशक़ सुखन और अपनी ज़हानत के बायस वो बहुत कम उम्री में उस्तादी के मर्तबे को पहुँच गए। बहादुर शाह ज़फ़र की उस्तादी का फ़ख्र भी हासिल हुआ और खाकानी हिंद और मलिकुश शोरा के खिताबात से सरफराज किए गए। बादशाह की सरपरस्ती में ज़ौक की ज़िंदगी आराम व आसाइश से बसर हुई। ज़ौक को मौसिकी और इल्मे नुजूम से काफ़ी दिलचस्पी थी। अरबी व फ़ारसी और दीगर मशरक़ी उलूम के आलिम थे, लेकिन उनका असल कमाल उनकी शायरी से ज़ाहिर हुआ। शायरी उनकी मुआश का ज़रिया बनी और यही फ़न उनकी क़द्र व क़ीमत का वसीला भी साबित हुआ। ज़ौक ने मुख्तलिफ इसनाफ़ सुखन में तबा आज़माई की। कसीदा उनका असल मैदान है। इस सिन्फ में सिर्फ सौदा उनसे आगे हैं। उन्होंने अपने कसीदों में शौकत अल्फाज, बुलंद ख्याली और मानी आफरीनी के साथ मुख्तलिफ उलूम की इस्तेलाहात से भी काम लिया है। गज़ल गोई में भी ज़ौक का एक ख़ास मकाम है। ज़बान पर कुदरत, बयान की सलासत, रोज़मर्रा और मुहावरे पर अपनी गिरफ्त के लिहाज से वो मुमताज़ हैं। अब पेश है शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक की एक गज़ल। लाई हयात आए क़ज़ा ले चली चले, अपनी खुशी न आए न अपनी खुशी चले। बेहतर तो है यही कि न दुनिया से दिल लगे, पर क्या करें जो काम ना बेदिल लगी चले। कम होंगे इस बिसात पे हम जैसे बदकिमार, जो चाल हम चले सो निहायत बुरी चले। हो उम्र खिज्र भी तो कहेंगे बवक्त मर्ग, हम क्या रहे यहाँ अभी आए अभी चले। नाजा न हो खिरद पे जो होना है हो वही, दानिश तेरी न कुछ मेरी दानिशवरी चले।
دنیا نے کس کا راہ فنا میں دیا ہے ساتھ، تم بھی چلے چلو یوں ہی جب تک چلی چلے، جاتے ہوائے شوق میں ہیں اس چمن سے ذوق، اپنی بلا سے باد صبا اب کبھی چلے۔ شیخ محمد ابراہیم ذوق۔ مشق۔ لفظ و معنی: حیات زندگی، قضاء موت، حکم خدا، بسات چوسر اور شطرنج کھیلنے کا کپڑا یا تختہ، بدقمار وہ جواری جو غلط چال یا داؤ چلے، بوقت مرگ موت کے وقت، فغان آہزاری، واویلا، نازاں ناز کرنے والا، فخر کرنے والا، خرد عقل، دانشوری عقل مندی، دانائی، حکمت، باد صبا صبح کی ٹھنڈی ہوا، پروائی، غور کرنے کی بات۔ نمبر ایک، دوسرے شعر میں دل لگے اور دل لگی نے شعر میں بیان کا حسن پیدا کر دیا ہے۔ نمبر دو، کلام میں جب کسی تاریخی واقعے یا کسی شخصیت کا ذکر ہوتا ہے تو اسے سنت تلمیح کہتے ہیں، یہاں حضرت خضر کا ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت خضر اپنی لمبی عمر کے لیے مشہور ہیں، کہا جاتا ہے کہ وہ قیامت تک زندہ رہیں گے اور بھولے بھٹکوں کو راستہ دکھاتے رہیں گے۔ صفحہ 111، مشق۔ سوالوں کے جواب لکھیے۔ نمبر ایک، اس غزل کے مطلع کا مطلب لکھیے۔ نمبر دو، عمر خضر سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ نمبر تین، ہم کیا رہے یہاں، ابھی آئے ابھی چلے، اس مصرے کے ذریعے شاعر نے انسانی زندگی کے کس پہلو کی نشاندہی کی ہے؟ نمبر چار، غزل کے مقطع میں چمن سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ عملی کام۔ اس غزل کے کچھ شعر زبانی یاد کیجیے اور بلند آواز سے پڑھیے۔ نوائے اردو بھاگ دو، پیشکش CIET NCERT، نئی دلی، بھارت۔